Hello everybody, I am Dr. Jyotsna Gupta, obstetrician and gynecologist, 20 years since practicing in Delhi. Welcome to Nav Bharat Times. आज हम एक बहुत ही important विषय पे बात करना चाहते हैं, वो है कि period miss होने से पहले कैसे एक महिला जान सकती है कि उसमें वो pregnant है या नहीं। प्रेगनेंसी हम जानते हैं कि महिला के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। कुछ महिलाएं बहुत उत्सुक होती हैं ये जानने के लिए कि वो प्रेग्नेंट हैं या नहीं है। कई बार उनको इतना स्ट्रेस होता है कि पीरियड्स आने से पहले ही उनको चिंता हो जाती है कि उनको कहीं प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो आज हम कुछ ऐसे सिम्टम्स के बारे में जानेंगे जिससे एक महिला जान सकती है पीरियड्स मिस होने से पहले कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, ताकि वो उसके मुताबिक कुछ महत्वपूर्ण कुछ प्रिकॉशंस ले सके ताकि प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट किया जा सके, यानी कि उनसे बचा जा सके। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं। सबसे महत्वपूर्ण सिम्टम है पेट में दर्द होना। ये जितने भी सिम्टम्स प्रेगनेंसी रिलेटेड होते हैं ये प्रेगनेंसी के हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज होने की वजह से होते हैं। जब भी अंडा वीर्य के साथ मिलता है तो जब वो गर्भाशय में ठहरता है तो उस टाइम पे पेट में दर्द होता है। ये दर्द जनरली 7 से 10 दिन के बाद होता है जब भी अंडा और वीर्य मिलते हैं। तो पीरियड आने से पहले पेट में नीचे की तरफ दर्द होता है। कई महिलाओं को माहवारी में भी दर्द होता है, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि ये माहवारी का दर्द है या ये प्रेगनेंसी का दर्द है। जनरली जो प्रेगनेंसी की वजह से पेट में दर्द होता है वो बहुत ही हल्का होता है और वो लगातार कुछ टाइम के लिए रहता है, फिर बंद हो जाता है। बिल्कुल ही माइल्ड क्रैम्प्स होते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो लक्षण है प्रेगनेंसी ठहरने का वो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, यानी कि थोड़ा सा खून का दाग लगना। ये भी माना गया है कि प्रेगनेंसी पीरियड्स आने से थोड़े दिन पहले, यानी कि 3 से 4 दिन पहले किसी किसी महिलाओं को दाग लग सकता है प्रेगनेंसी का, जिसको हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। ये भी प्रेगनेंसी का यानी एम्ब्रियो का गर्भाशय में आके रुकने की वजह से होता है। अगला जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम है वो है थकान होना, वीकनेस या फटीग। महिला जितनी एनर्जी से पहले काम कर सकती थी, जैसे ही प्रेगनेंसी रुकती है उसके हार्मोन्स की वजह से उसको बहुत ही थकान महसूस होने लग जाती है, उसको नींद भी ज़्यादा आती है। अगला जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम है जो बताता है कि महिला प्रेग्नेंट हो सकती है वो है मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स यानी कि अपने आपके जो सोचते हैं आप, या जिस जो शरीर आपका रिएक्ट करता है किसी चीज़ के प्रति, उसकी प्रतिक्रिया। किसी महिला को बहुत ज़्यादा रोना आता है इस टाइम पे, किसी महिला को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है। ये मूड स्विंग्स बहुत कॉमन है। कुछ पलों में उसको बहुत ही चिड़चिड़ापन लगेगा और अगले ही क्षण वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये भी एक लक्षण है कि हाँ, महिला प्रेग्नेंट हो सकती है। अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है कि शरीर का तापमान उच्च रहना, यानी कि इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो महिलाएं प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं उनको वैसे भी वो ओवुलेशन टाइम पे अपना टेम्परेचर नापती हैं, लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी रुकेगी ये टेम्परेचर बढ़ा ही रहेगा। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेगनेंसी लक्षण है, ये बताते हुए कि हाँ, महिला में प्रेगनेंसी ठहर रही है। अगला जो इम्पॉर्टेंट लक्षण है वो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी कि बार बार पेशाब का लगना। ये इसलिए होता है क्योंकि नीचे ब्लड सप्लाई इंक्रीज होती है, पूरे शरीर में भी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से बार बार थोड़ा थोड़ा यूरिन लगता रहता है। कई बार प्रेशर सिम्टम्स की वजह से भी ऐसा लगता है कि यूरिन आएगा। अगला है टेंडर ब्रेस्ट, यानी कि छाती का भारी होना या उसमें दर्द होना। ये लक्षण भी पीरियड आने से 1 हफ्ता पहले स्टार्ट हो जाते हैं। इसकी वजह से हाथ लगाने पे भी बहुत दर्द होता है महिला को। किसी किसी को तो बहुत इतना ज़्यादा होता है कि कई बार उनको इसके लिए दर्द निवारक गोली भी खानी पड़ती है। तो हम कहते हैं कि अगर आप में ये लक्षण है तो जो भी आप दवाई खा रहे हो वो बड़ा सोच समझ के खाइए, या फिर अपने डॉक्टर से पूछ के लीजिए। अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है नौजिया वॉमिटिंग, यानी कि उल्टी जैसा मन होना। ये जनरली सुबह के टाइम पर ज़्यादा पाया जाता है। प्रेगनेंसी में हम इसे मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सुबह के टाइम पे ही हो। कईयों को ये शाम के टाइम या कभी कभी किसी विशेष वस्तु को देख के ये महसूस होता है, एकदम से उल्टी जैसा मन आएगा। अगला जो है वो है बिटर टेस्ट, यानी कि एक तरह से
जो जीभ में जो टेस्ट है जितना अच्छा आना चाहिए खाना खाने के बाद वो नहीं आता, एक मेटालिक टेस्ट जैसा आता है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट प्रेगनेंसी का लक्षण है। इसके अलावा स्मेल में भी चेंजेस आते हैं, किसी किसी चीज़ को या स्मेल करके, जैसे कभी आप किचन में कोई तड़का लग रहा हो या गार्लिक की स्मेल से एकदम से उल्टी जैसा मन आने लगता है, ये भी एक प्रेगनेंसी का सिम्टम हो सकता है। दूसरा है इंक्रीज इन एपेटाइट, किसी किसी महिला में बहुत खाना खाने की भूख बहुत ज़्यादा हो जाती है प्रेगनेंसी की वजह से, और किसी किसी में बहुत ही कम हो जाती है। दोनों ही लक्षण हम मानते हैं कि प्रेगनेंसी रिलेटेड हो सकते हैं। तो अगर आपकी भूख में कोई चेंज आ रही हो या इन सब सिम्टम्स के साथ ऐसी प्रॉब्लम आपको लगे कि हो रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि आप में प्रेगनेंसी ठहर रही है। अगला है, कई महिलाओं को एकदम से चक्कर आने लग जाते हैं, डिजीनेस फील होता है, ज़्यादा देर जैसे ही खड़े होते हैं उनको लगता है कि उनके शरीर में थकान एनर्जी ही नहीं बची है और वो चक्कर खा के गिर जाते हैं। इस ये भी एक प्रेगनेंसी का लक्षण हो सकता है। हल्का हल्का माइग्रेन के जैसा सिर में दर्द रहना, खासकर अगर आपके खाने में ज़्यादा गैप हो रहा है तो उसकी वजह से सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है, ये भी एक प्रेगनेंसी का लक्षण हो सकता है। किसी किसी महिला को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, एक्सेसिव थर्स्ट होती है, थोड़ी थोड़ी देर में गला सूखता है, तो उसको मन करता है कि वो बार बार पानी पिए। बार बार पानी पीने की वजह से भी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, दोनों ही सिम्टम्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ये भी एक प्रेगनेंसी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट लक्षण है। इसमें से कुछ लक्षण PMS यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में भी पाए जाते हैं, लेकिन अगर आपको पहले ये इनमें से कोई भी लक्षण नया है या 3 से 4 लक्षण आपको इकट्ठे हो रहे हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो। तो इन लक्षणों के चलते हुए अगर आपको कोई प्रिकॉशंस लेनी है, जैसे हम कहते हैं कि इस टाइम पे भारी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि पेट पे जोर पड़े, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि कई बार इन सब एक्सरसाइज करने से या भारी वजन उठाने से कई बार ऐसे ही मिसकैरेजेस हो जाते हैं, जो कि पता ही नहीं चलता महिला को कि उसने प्रेगनेंसी रुकी थी और वो मिसकैरेज हो गया है। तो पीरियड्स मिस होने से पहले अगर ये सारी जानकारी आपको पता है, इनमें से कोई भी सिम्टम्स आपको 3 से 4 हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए और जैसे ही पीरियड मिस हो उसी टाइम पे तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए या घर पे ही प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। अगर आप फिर भी बहुत ज़्यादा विचलित हो रहे हों तो प्रेगनेंसी टेस्ट जो किट होती है उससे भी पहले ब्लड टेस्ट करने से भी आपको प्रेगनेंसी है या नहीं है वो जल्दी पता लग जाएगा। सीरम बीटा HCG ब्लड टेस्ट होता है जो कि पीरियड मिस होने से टाइम से बहुत पहले 3 से 4 दिन पहले ही आपको बता देगा कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। तो अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम हो रहा है और आपको लगता है कि आप ट्राई कर रहे हो प्रेगनेंसी के लिए, तो आप जरूर ध्यान दीजिए इन सिम्टम्स को। ये आप जो मैंने लिस्ट बताई है, जो समझाए हैं, ये आपको जरूर हेल्प करेंगे ये बताने के लिए कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप इसके बारे में और वीडियोस जानकारी या और जानकारी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। मेरी डिटेल्स नीचे आपको मिल जाएंगी। थैंक यू।